देख सम स्टार्ट कर रहे हैं बरोबर है, क्या दिया हुआ है यूनिट नंबर 3 ए का जीएसटी का क्वेश्चन का दिया है एमएस स्प्रिंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है रजिस्टर पर्सन है अंदर जीएसटी है, सेल्स परचेज सर्विस वगैरह सबके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दे दिएगी, और ये जो भी है एसपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जो भी है एज्यूम कर लो कि भाई वो क्या है कि गुजरात की कंपनी है, ठीक है यहाँ पर का क्वेश्चन में मिस्टेक है, गुजरात की कंपनी है कि गुजरात के अंदर उसने रजिस्टर वगैरह किया हुआ है, ठीक है। अब देख हम लोग को करना क्या आएगा, यहाँ पे हमारे को पूछा हुआ है जीएसटी का रेट 18% तेरे को दे दिया है, ओल्ड डीलर कैसे है रजिस्टर पर्सन है क्या बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ओवर टैक्सेस, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लायर जो भी है वो टैक्स इंक्लूड उसके अंदर नहीं है, सब वो सब कंडीशन क्या होती है फुलफिल होती है आईटीसी की, पर फाइंड आउट द जीएसटी पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017 के स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पूरे का पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, सबसे पहले आउटवर्ड जीएसटी, आउटवर्ड जीएसटी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर सपोज समझ तुम माल सामान बेचोगे तो जो जीएसटी पे करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आउटवर्ड जीएसटी, जो माल सामान तूने परचेज किया वो सब कहाँ पे जाएगा इनवर्ड जीएसटी में, ये आउटवर्ड जीएसटी के तेरे को पेमेंट करना है और जो इनवर्ड जो जीएसटी है उसका तेरे को क्या करना हुआ आएगा इसकी तेरे को आईटीसी मिलेगी इनपुट टैक्स रेट तेरे को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि भाई आउटवर्ड कितना आया उसमें से हम इनवर्ड को माइनस कर देंगे, बचा कुचा जो भी होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे पेमेंट वगैरह कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर का जो तेरा सम से का क्वेश्चन हम क्या दिया हुआ है देख मटेरियल सोल्ड, अब तुमने सोल्ड किया ना सोल्ड करेंगे तो आउटवर्ड में जाएगा, परचेज करेंगे तो इनवर्ड में जाएगा। मटेरियल क्या किया हुआ है हम लोग ने सोल्ड किया हुआ है किसको इंडो पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड, लिख देने का इंडो पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड सही है लिख देंगे, कितने लोग कितने रुपए का माल बेचा है 20 लाख रुपए का माल बेचा है, कहाँ का है वो अहमदाबाद का, हमारी कंपनी है कहाँ की गुजरात की है, ये कहाँ का है अहमदाबाद का, दोनों दो कहाँ के हुए गुजरात के हुए तो क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, 20 लाख रुपए है ठीक है, कितना लगेगा तो यहाँ पे परसेंटेज तेरे को 18% दे दिया है तो 20 लाख के 18% हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा 3,60,000, मतलब कि सीजीएसटी को इसका आधा सीजीएसटी को 9% मिलेगा और एसजीएसटी को 9%, मतलब दोनों को 1,80,000 रुपये मिलेगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1,80,000 ठीक है। उसी तरीके से सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है मटेरियल सोल्ड टू एमएस महाराजा ट्रेडिंग एट पुणे, इसको दिया हुआ है माल पुणे वाले को हम लोग ने सोल्ड किया है पर तो पुणे वाला तो कहाँ पे गया गुजरात के बाहर गया है, तो सेकंड नंबर लिख उसका नाम लिख देंगे महाराष्ट्र ट्रेडिंग, कितने का माल बेचा 15 लाख रुपए का माल बेचा है तो 15 लाख इंटू 18% कितना आएगा 2,70,000 रुपये आएगा ठीक है। तो आईजीएसटी के अंदर 2,70,000 रुपये में लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा डेस डेस आ जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा ना, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा जब सेम स्टेट होगा। तो थर्ड नंबर में भी क्या किया हुआ है हम लोग ने सोल्ड किया है तो सोल्ड किया हुआ है तो भी आउटवर्ड में ही जाएगा ठीक है, इसका नाम लिख देंगे कहाँ का है वो सूरत का है, अभी वो सूरत का है तो सूरत वाले में भी क्या लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि गुजरात के अंदर ही सूरत आएगा ना बर, तो 20 लाख इंटू 9% सीजीएसटी, मतलब 1,80,000 रुपये सीजीएसटी में जाएगा 1,80,000 रुपये एसजीएसटी में जाएगा। फोर्थ नंबर क्या दिया मटेरियल सोल्ड, फिर से सोल्ड बोला, सोल्ड बोलोगे तो आउटवर्ड में जाएगा, किसको भेजा है लक्ष्मी को, लक्ष्मी लक्ष्मीदास ठीक है, कहाँ का है आनंद, आनंद मतलब कहाँ पे आया गुजरात में आया, गुजरात में आएगा मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि हमारी कंपनी गुजरात की है, मल्टीप्लाई बाय 9% सीजीएसटी, मतलब 72,000 सीजीएसटी एंड 72,000 एसजीएसटी बर, दोनों को आधा आधा मिलेगा। फिफ्थ नंबर भी मटेरियल सोल्ड हो जाएगा, मटेरियल सोल्ड टू बरे किसको बेचा है मुंबई वाले को बेचाएगा, उसका नाम वगैरह लिख देंगे मुंबई है 7,50,000 इंटू 18%, मुंबई मतलब महाराष्ट्र के अंदर जाएगा, हम लोग है गुजरात वाले, दोनों दो अलग अलग स्टेट है, आईजीएसटी लगेगा। सिक्स नंबर में क्या दिया मटेरियल सोल्ड, सिक्स नंबर भी मटेरियल सोल्ड हो जाएगा,
नागपुर बेचा तो नागपुर भी गुजरात के अंदर नहीं है। 650,000 का माल बेचा है तो 650,000 इंटू 18% आउट ऑफ गुजरात जाएगा, मतलब तुम्हारे स्टेट के बाहर बेचोगे तो IGST लगेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 7th नंबर, मटेरियल सोल्ड टू MS हैमर पेट्रोलियम नडिया, नडियात कहाँ पे आया, गुजरात के अंदर आया हुआ है। तो 500,000 रुपये गुजरात के अंदर आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, CGST, SGST लगेगा, 15,00,000 के 18% निकालेंगे। तो 9,000 आएगा, CGST को आधा मिलेगा, SGST को आधा मिलेगा, दोनों को 9% मिलेगा, तो 45,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, मटेरियल सोल्ड हो गया 7th नंबर। 8th नंबर मटेरियल परचेज है। अच्छा, मटेरियल परचेज का जो भी होगा ना वो कहाँ पे लिखेंगे, हम लोग इनवर्स GST के अंदर लिखते जाएंगे। तो देख, मटेरियल परचेज कितने का किया हुआ था, पहले नंबर पे मटेरियल परचेज तेरा किया हुआ है, मटेरियल परचेज है 9 House Limited पुणे वाले के पास से लिया है। तो पुणे तो कहाँ पे आएगा, गुजरात के बाहर आएगा, गुजरात के बाहर जाएगा मतलब IGST लगेगा। कितना लगेगा, 225,000। क्या नाम है भाई, 9th नंबर वाले का नाम है, सॉरी 8th नंबर वाले का नाम है MS 9 House। तो यहाँ लिख देंगे MS 9 House। 9th नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 9th नंबर पे भी मटेरियल परचेज है। कितने का आया, कहाँ से किएगा, भरूच से है का। तो लिख देंगे यहाँ पर जो भरूच से परचेज किया हुआ है, 18,00,000 का किया हुआ है। भरूच आया कहाँ पे, गुजरात में। तो क्या लगेगा, 9% CGST 9% SGST लगेगा। सेम स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, जितने परसेंट है देवे नीचे। यहाँ पे 18% दिया तो दोनों को आधा आधा आप लोग को दे देना है। IGST होगा तो 18% पूरे का पूरा दे देना है। इसके बाद 10th नंबर का ट्रांजेक्शन, मटीरियल परचेज करा हालोल से, तो हालोल भी कहाँ पे आया, गुजरात में। तो ये 15,00,000 रुपये का माल अपने परचेज किया है, मतलब इसके ऊपर भी क्या लगेगा, CGST SGST लगेगा। 9% के हिसाब से 13,00,000 ने 35,000 रुपये आएगा दोनों में। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, 11th नंबर पे मटीरियल परचेज ऑन द MS SR ट्रेडर एट ऑफ वडोदरा। बड़ोड़ा भी कहाँ पे आया, गुजरात के अंदर ही आएगा, हमारी कंपनी भी गुजरात की है। तो क्या होगा, इंट्रास्टेट लगेगा, इंट्रास्टेट में क्या लगेगा, CGST SGST दोनों आएगा, मल्टीप्लाई बाई 9%। तो 288,000 आएगा। ठीक है, 11th नंबर भी ओवर। 12th नंबर में क्या दिया है, टेलीफोन बिल तुमने पे किया 80,000 का, तो 80,000 × 9% कितना आएगा, 7,200। इसके बाद क्या दिया, ऑडिट फी दिया है 95,000, तो 95,000 × 9% तो 8,550। ठीक है, सब वो सब ट्रांजेक्शन हम लोग के ओवर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यामा जो भी टोटल वगैरह वर्किंग हमने किया है उसका हम टोटल करेंगे। तो 2,70,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,10,000 सब वो सब का हम प्लस कर देंगे, 522,000 180 + 72,000 + 45,000 इसका कितना आया, 477,000। उसी तरीके से इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, टोटल वगैरह कर देंगे। अब इसका भी टोटल मैंने किया तो 477,000 आ रहेगा। टोटल हम लोग को करना है कंपलसरी, बरोबर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि IT से अगर पहले से देंगे तो वहाँ पे तेरी अमाउंट अलग आएगी। इसमें तो एक ही वैल्यू है, 2,25,000 बाजू में 162 + 135,000 + 2,88,000 + 7,200 + 8,550 है, मतलब टोटल जाएगा 600,750 टोटल करना है। यहाँ पे दोनों दो का टोटल सर का है, उसके लिए टोटल सेम आ रहा है, सब वैल्यू सर की है उसके लिए। अब करना क्या आएगा, ITC निकालना आएगा। तो देख, ITC किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटवर्ड लिख देंगे। आउटवर्ड मीन्स मेरे को उतना पेमेंट करना है, मेरे को IGST के 522,000 पे करना है, इसका 477,000 मेरे को पे करना है। जबकि मेरे पास इनवर्ट की मैं ITC ले सकता हूँ, तो इनवर्ट मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 225,000 अवेलेबल है, 600,750 अवेलेबल है, 600,750 मेरे पास अवेलेबल है। तो ITC कट करने के बाद
अगर मेरा आंसर प्लस में आता है मतलब मेरे को क्या है उतना पेमेंट करना है, मतलब मेरे को IGST वाले को 2,97,000 तेरे को पे करना है, 2,97,000। और यहाँ पे जो भी है उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर देख कैसा आता है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब अभी भी मेरी क्रेडिट अवेलेबल है। यहाँ पे भी मैं माइनस करूँगा, वैल्यू सेम ही है तो आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी तेरे तेरी जो क्रेडिट है कि नो क्रेडिट का हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा सेट ऑफ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो IGST का पैसा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा IGST के सामने सेट करूँगा, फिर CGST अगर फिर भी मेरा पैसा बचता है तो CGST के सामने सेट करूँगा, और अगर फिर भी मेरा पैसा बचता है तो मैं SGST के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। उसी तरीके से CGST का पैसा है तो पहले मैं CGST के सामने सेट करूँगा, फिर IGST के सामने सेट करूँगा। CGST का पैसा कभी भी मैं SGST के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ। उसी तरीके से SGST का पैसा है तो मैं पहले नंबर पे SGST के सामने सेट करूँगा, सेकंड नंबर पे IGST के सामने सेट करूँगा, और SGST का पैसा कभी भी मैं CGST के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने किया गया तो भाई ये आउटवर्ड था, उसमें से हम लोगों ने क्या करा ITC सबको क्या करा सेट करा, मतलब क्या IGST का ITC को IGST के सामने, CGST वाले को CGST के सामने, SGST वालों को SGST के सामने हम लोग ने सेट ऑफ किया। उसके बाद भी जिसकी ITC अवेलेबल है, देखिए दोनों का आंसर माइनस में है, मतलब ये दोनों की ITC अवेलेबल है, ये दोनों की मतलब CGST की अवेलेबल है, SGST की अवेलेबल है, तो CGST वाला पहले नंबर पर इसके सामने सेट करेगा, CGST के सामने करेगा। अब इसने CGST वाले ने CGST के सामने तो सेट कर दिया ना, देखिए यहाँ पर जो किया कि नहीं किया, ये CGST का था, ये पेमेंट करने का था, ये पेमेंट के सामने ITC अपनों ने सेट किया, फिर भी पैसा बचा हुआ है, इसके बावजूद भी पैसा बचा हुआ है तो CGST वाला किसको पेमेंट करेगा, IGST वालों को अपनी क्रेडिट दे देगा। तो इसकी क्रेडिट है कितनी, 123750, इसको चाहिए कितना 297000, तो ये करेगा क्या, अपनी जो क्रेडिट देगी मतलब 123750 वो इसको दे देगा, इसको दे दिया, इसका माइनस करना है, इसका अंदर प्लस कर देने का। अब क्या सिचुएशन है, तो भाई अब 297000 में से 123750 चला जाता है, तो हजू भी पेमेंट कितना करना है, तो 173,250 का पेमेंट करना है, जबकि यहाँ बाजू नील हो गया है, और इसके बाद 123750 हजू भी क्रेडिट अवेलेबल है। किसके पास अवेलेबल है, SGST वाले के पास। SGST वाला क्या कर सकता है, तो SGST वाला पहले SGST के सामने सेट करेगा, SGST की क्रेडिट थी, SGST के सामने हम लोग ने पहले क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। उसके बाद भी अपने पास पेमेंट अवेलेबल है, अगर उसके बाद भी तेरे पास पेमेंट अवेलेबल है तो SGST वाला क्या कर सकता है, IGST वालों को दे सकता है। तो इसका जो क्रेडिट है हम उठा के किसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तो 123750 इसको क्रेडिट दे देंगे, तो इसके अंदर माइनस हो जाएगा, जो क्रेडिट देने वाला है उसके अंदर प्लस हो जाएगा। अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर नील हो जाएगा, और इसका आंसर 173250 माइनस 123750 करेंगे तो हजू भी आंसर कितना आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 49500 आएगा, इसके नीचे 49500 हम लोग लिख देंगे और बाजू में क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। इसका मतलब कि हम IGST के 49500 हमारे को पे करना पड़ेगा। IGST का पैसा और CGST का पैसा, दोनों पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अब तुम लोग को क्वेश्चन के अंदर देख क्या पूछा गया आएगा, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आएगा, फाइंड आउट द GST पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया पे करने का है। तो यहाँ पे हम लोग ने काउंट किया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 49500 पे करना पड़ेगा, ठीक है, IGST के, जबकि CGST का तो नील हो गया है, SGST का भी नील हो गया है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST ठीक है 49500 पे करना है, ठीक है, सम्स यहाँ पे फिनिश हुआ।